अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर अली ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपको हम आगाह करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है हम आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और तमाम पाकिस्तानियों के लिए आसानी। आज फिर हम आपको DGIP के पासपोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। उसमें जो ख़ास बात यह है कि जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको फ़ीस के हवाले से बताया, फ़ीस के किस तरीके से उनको इन्होंने इनक्रीज़ किया, अब इस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर्स को भी उन्होंने बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब क्या फ्यूचर्स होंगे नए पासपोर्ट्स के हवाले से, MRP के हवाले से और बहुत से इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने हैं। तो आप कंटिन्यू करें और आखिर तक इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम इनक्रेज हों और आप तक इन्फॉर्मेशन एक वक्त पहुँचा सकें। तो दोस्तों आज के हवाले से हमें बताना है कि ई पासपोर्ट के हवाले से। जी हाँ, ई पासपोर्ट चूँकि इन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया है लेकिन ये अभी तक आम पब्लिक तक नहीं पहुंचा है, उसकी रसाई पहुंच नहीं गया है, ये अभी तक अपर लेवल पर है। लेकिन ये है कि DGIP ने डिसाइड कर लिया है कि 2027 को बाकायदा तौर पर सबके ई पासपोर्ट ही होंगे। जो पासपोर्ट की क्या फ्यूचर्स होंगे, वो फ्यूचर्स ये होंगे कि ये चिप सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी इसमें होगी, चिप सिस्टम होगा और सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने बता दिया है। और आप जब एयरपोर्ट में आएंगे तो आपको बहुत सी आसानियाँ होगी, आप जल्दी क्लियर होंगे और अपने डिपार्चर तक पहुँचेंगे और आपको आसानी होगी, रसाई बहुत ही ईजी मेथड होगा इसमें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताने की ज़रूरत है और ये है कि अगर आपने अभी तक 10 साल का अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो बेहतर है 5 साल का ही बनाएं। इसकी वजह पता है क्या है कि अगर आप 5 साल का बना लेंगे, चूँकि 2027 को चूँकि ई पासपोर्ट अगर इन्होंने लाजमी कर दिया सबके लिए तो आपके 10 साल के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो पिछला पासपोर्ट MRP बना लिया था वो आपका 10 साल का था। अब 2027 में आप 2024 से 2027 में आप बनाएंगे तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप 5 साल का ही बनाएँ ताकि 2027 में जब ई जो पासपोर्ट है वो लॉन्च होगा और सबके लिए ही होगा तो फिर उस वक्त आपके लिए आसानी होगी, आपके पैसे भी अभी से बच जाएंगे। इनको सेफ रखें और इन फ्यूचर के लिए देख लें। तो ये एक फैसिलिटीज़ था 2027 का। तो हमने कहा कि हम अपने तमाम यूज़र को बता दें, अभी से आगाही कर लें कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर 2007 में उन्होंने 2027 में उन्होंने अगर ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर लिया तो आपके लिए आसानी।